हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉल्फिन मैच में। तो आप क्लास टेंथ का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसका जो बेसिक है, पहले उस बेसिक को हम देख लेंगे। त्रिकोणमिति में बेसिक क्या होता है, जैसे ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है? जैसे त्रिकोणमिति की नाम आता है, त्रिकोणमिति को आप पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले जो और सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है त्रिकोणमिति के अंदर, वह है साइन, कॉस और टेन। इन तीन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो इसी तीन चीज़ों से त्रिकोणमिति के बाकी सारे प्रॉपर्टीज तैयार हो जाते हैं। तो ये साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, इसको लिख लीजिए। तो ये जो है, चूँकि नाम है त्रिकोणमिति, क्या है, त्रिकोणमिति, ठीक है? तो त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम होता है, त्रि माने होता है तीन, कोण माने कोण और मिति माने माप। तो तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और तीन कोण होता क्या है, त्रिभुज में होता है, होता कहाँ, त्रिभुज में होता है। प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजा होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस त्रिभुज में त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का एक प्रकार है समकोण त्रिभुज, जो कोण के आधार पर होता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी कोण न्यूनकोण होता है, ठीक है? तो ये दोनों हो गया न्यूनकोण हो गया। इसमें ये कर्ण होता है, जो बड़ा भुजा कर्ण होता है, छोटा वाला लंब और आधार हो सकता है। तो मान लीजिए ये वाला जमीन पे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आधार हो गया, और परपेंडिकुलर है जो वर्टिकल है वो बेस हो जाता है। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण कहलाता है साइन थीटा। लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण के अनुपात को क्या कहेंगे, साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ तीन को भुजा होता है, तीन को अनुपात आ जाएगा। आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं, तो कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा कहते हैं। और उसके बाद लंब बटे आधार की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं टेन थीटा। बस यही आपको समझना है, साइन कॉस और टेन क्या है, तो एक अनुपात है। साइन कॉस टेन क्या है, एक प्रकार के अनुपात है। किसका अनुपात है, तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात है। जैसे साइन थीटा का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो अनुपात आएगा वही क्या कहलाएगा, साइन थीटा। लंब ऊपर रखें, कर्ण नीचे रखेंगे, लंब बटे कर्ण ये होगा।